आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक मामले के सिलसिले में सोमवार को महाराष्ट्र में छापेमारी की। NIA ने मुंबई, ठाणे और पुणे में 5 जगहों पर छापेमारी करके 4 लोगों को हिरासत में लिया है। महिला ने अपने प्रेमी का अपहरण कर उसे नग्न अवस्था में शाहपुर हाईवे पर फेंका। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रशांत रोड़े को ठाणे महानगर पालिका का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया। भिवंडी शहर में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग जान हथेली पर लेकर जीवन जीने पर मजबूर है। भारी बारिश के दौरान चट्टाने खिसकने का डर हमेशा बना रहता है। खाड़ीपार रसूलाबाद भिवंडी के एक घर में 8426 यूनिट बिजली चोरी का मामला सामने आया है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया। देवे अंजूर गांव में एक घर में टोरेंट पावर की 5961 यूनिट बिजली चोरी की शिकायत टोरेंट एग्जीक्यूटिव ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है। शास्त्री नगर भिवंडी में नकली सोने की चैन देकर 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हिना गुड्डू गुप्ता की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज। रमाशंकर रामचरण पासवान ने नारकोली पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। संजय नगर शांतिनगर रोड पर पुरानी रंजिश के चलते 4 आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। अफरोज इसराइल खान की शिकायत पर 4 के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। उधारी के पैसे वापस मांगते हुए चाय वाले ने गिराफ के सर में स्टील के मग से हमला कर दिया। सऊद हमीद शेख की शिकायत पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में चाय वाले के खिलाफ मामला दर्ज।